ये कैपकॉम वाले जानते हैं कि भावनाओं के साथ कैसे खेला जाता है। मेरी एलचीना दे मित्रस्कु रेजिडेंट इविल विलेज की मेन एंटागनिस्ट नहीं बल्कि वन ऑफ द विलेंस में से एक है। और इस गेम की मार्केटिंग तो ऐसी की गई थी कि जैसे इसके ट्रेलर्स आ रहे थे और डेमो आ रहे थे कि जो है इस गेम में भाभी जी ही है। मगर फिर भी अपने इंटरनेट के लोगों को इस पे अपना प्यार कम नहीं हुआ है। लोग अभी भी इसे अपना तन मन और धन से इसे अपना प्यार देना चाहते हैं। मगर क्या ऐसी बात है कि इस पेल स्किन वाली महिला में इसके कमीने होने के बावजूद भी लोग इसे अभी भी प्यार करने पे मजबूर हैं? और इन्हीं सारी बातों को हम समझेंगे, मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। एलचीना में ऐसी कौन सी चीज है कि जो हमने देख लिया मगर जमाना नहीं देख पाया? कमेंट से अपने बारे में भी बताओ कि तुमने क्या देखा। लेकिन हाँ भाई, ये बात तो है कि अपने भारी भरकम फैंटेसी के अलावा भी कुछ बात तो है इसमें, क्योंकि मेरे एक्सट्रीम गे दोस्त ने भी बोला कि भाई मैं अलग लेवल का गे हूं, लेकिन इसके लिए मैं रिस्क लूंगा। अबे वो क्या रिस्क लेगा, मैं चांस लेने के लिए तैयार हूँ। क्या है जिंदगी में, सुबह हगो, नहाओ, धो, वीडियो बनाओ, गालियां खाओ और सो जाओ। कुछ तो पानी चाहिए जिंदगी में अपने को। खैर फिर भी जोक सपाट, अगर अपने सिंपिंग को साइड में रखोगे तो कुछ ना कुछ बात तो डीप निकल ही जाएगी। खैर जैसे मैंने बोला कि अगर इसकी वलप्शियसनेस को साइड में रख के देखोगे तो उसके चरित्र में चार चांद इसकी पर्सनैलिटी लाती है। और यही तो खास बात है कि ये कोई टिपिकल से क्लीशे वाली छोई मोई लड़की नहीं है, शी इज अ पावरफुल वुमन। और कुछ लड़कों को ये बात पसंद आती है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, फियरलेस है, पावरफुल है, डोमिनेट है और सबसे बड़ी बात एक स्ट्रॉन्ग वुमन है। अब मानो या ना मानो, हमें आत्मनिर्भर और स्ट्रॉन्ग वुमेन्स पसंद आती हैं। पता नहीं क्यों वो सेंस ऑफ सेक्सीनेस ज्यादा लगता है, वो जो अपील होती है पावर की, वो जो सेंस ऑफ अथॉरिटी इन्फ्लुएंस दिखता है वो अच्छा लगता है कि भाई इस लौंडिया में कुछ बात तो है। अब देखो हाँ, ये बात भी सही है कि हमेशा और पावर और डोमिनेंस अच्छा नहीं लगता पर्दे पे। सिनेमैटिक तौर से इविलनेस इविलनेस होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है हैरी पॉटर की डोलोरस अम्ब्रिज। उस कैरेक्टर की इविलनेस के अलावा कुछ फील नहीं होता, यहाँ तक कि मैं वोल्डेमॉर्ट से ज्यादा इससे नफरत करता हूँ क्योंकि मैं इससे रिलेट कर पाता हूँ। क्योंकि जब बात मेरी पनिशमेंट्स की आती है तो मेरी यादें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, सिवाय मेरी म्यूजिक टीचर को छोड़ के। खैर वो बात हम नहीं करेंगे। लेकिन इस कैरेक्टर को लिखा ही इस हिसाब से गया था कि लोग इसे पसंद ना करें मजबूत तौर से। और अगर इसे दूसरे ही कॉन्ट्रास्ट में अगर हम कुछ और मूवीज के एग्जाम्पल लेके देखें तो जैसे चार्लीज एंजल्स की एलेक्स मंडे, कसम से मैं बता रहा हूँ मुझे प्यार हो गया इसके डोमिनेंस से, इसकी अथॉरिटी से। और एक और बहुत अच्छा एग्जांपल आता है अपनी बैड टीचर की एलिजाबेथ हासले का, कसम से इनके कमीनेपन से प्यार हो जाता है क्योंकि इन्हें लिखाई और पोर्ट्रे ही इसी हिसाब से किया गया है कि ये इविलनेस के कैरेक्टर में हैं, मगर इससे आप प्यार करिए। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि ये हमें रिस्पेक्ट ना करें क्योंकि उस दर्द में भी प्यार का एहसास नजर आता है। क्योंकि भाई समटाइम पेन फील्स गुड, दर्द में मजा, मजे में दर्द, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। I'm sorry, I'm just, I respect you so much. Don't respect me. और हाँ भाई लोग, ये बात खाली इविल फीमेल कैरेक्टर्स तक ही लिमिटेड नहीं है। मैंने कई सारे ऐसे व्लॉग्स भी पढ़े जहाँ पे महिलाएं अपनी इविल मेल फैंटेसीज के बारे में भी बता रही थी पॉप कल्चर वाले। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उसमें जेरेड लेटो वाले जोकर भी थे, महिलाएं उसको फैंटेसाइज कर रही हैं, जिसपे मैंने वीडियो भी बनाई है। मैं काफी एक्यूरेट था इस बात को लेकर, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। और ये लिस्ट बहुत ही लंबी जाती है और इसमें से कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि ड्रैकुला। ये कैरेक्टर तो एज अ सेक्स सिंबल के तौर पे इंट्रोड्यूस ही किया गया था रोमांटिक और पैशनेट प्यार को लेकर लड़कियों के बीच में। इस लिस्ट में लोकी तो है ही और ऊपर से थॉमस शेल्बी भी है। और उन महिलाओं का ये कहना था कि थॉमस शेल्बी एक लविंग केयरिंग गाय, एक लॉयल फैमिली हस्बैंड और फादर हो सकता है, स्वीट और एक अच्छा दोस्त भी साबित हो सकता है। और उसके पीछे की ये सारी बातें भुला दो कि वो क्या काम करता है, उसका धंधा क्या है, बस वो बैड आदमी है, थोड़ा सा कमीनापन दिखता है उसका, मगर फिर भी अच्छा आदमी है। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि लड़कियों को बैड बॉयज नाम के लड़के ज्यादा पसंद आते हैं, तो इस बात में लड़के क्यों पीछे रहे? हमें भी बैड गर्ल्स पसंद आती हैं अगर मैं जर्नलाइज करके बोलूं तो। तो गुरु लोग, कोई एक इविल फिक्शनल कैरेक्टर से प्यार करना कोई शर्म की बात नहीं है, बस एक हद मेंटेन करके रखो। क्योंकि मैंने कई सारे व्लॉग्स पढ़े हुए हैं और मुझे पता चला है कि खाली लड़कों की नीयत खराब नहीं होती है, हम सिनेफाइल सब एक ही नाले से निकले हुए हैं। कुछ लोग अपनी बातें बता देते हैं, कुछ लोग दबा देते हैं। तो खैर मैंने जो अपनी ये सारी बातें आपको बताई है अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको शाक्स दिया। लेकिन भाई एलचीना की बात अलग है। अब भाई हाँ, दुनिया का हर एक चूतिया आदमी कहता है कि मेरी वाली अलग होती है, मगर फिर भी जहां दुनिया इस बात से परेशान है कि गेम्स वॉयलेंस को ग्लोरीफाई करके एंटरटेनमेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, वहां कुछ हम जैसे गेमर्स बस रुक के नजारे का और व्यू का मजा लेना चाहते हैं, बस देखते रहना चाहते हैं, देखते रहना चाहते हैं और देखते रहना चाहते हैं। वो बुरी है तो क्या हुआ, अगर दिल पे हाथ रख के बोले तो वो हमेशा से तो ऐसी नहीं होगी, होप करके बोलता हूं। क्योंकि फाइंडिंग द ब्राइट साइड, द गुड साइड, अगर खोजोगे तो मिल ही जाएगा। और सीधी सी बात, जब बंदा प्यार में होता है तो वो बंदा कोई भी हो वो उल्टी सीधी हरकतें करता है। मैंने भी की है और मुझे इस बात का शर्म है, कसम से याद करने
की इच्छा नहीं करती, मगर फिर भी अगर अब भी चांस मिले तो मैं हेल्प करूंगा। मैं क्या, हम सब हेल्प करेंगे? ये इंसानी नेचर है हेल्प करना। सिंपिंग की कमी नहीं है इधर। तुम्हें क्या लगता है कि किम कार्दर्शियन अपने एस फ्लुएंस से ऐसे ही आगे बढ़ गई? तुमने याद कर लिया, तुमने ही मदद कर दी। और कॉन्स्टेंटीन मूवी का एक बहुत ही बेहतरीन कोट मुझे याद आता है कि जहां कॉन्स्टेंटीन कहता है कि डेविल इज मोर इंट्रूडिंग दैन जीसस, क्योंकि वो मोरालिटी और बंदिशों में बंधा नहीं होता हमारी तरह। और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, मगर प्यार का कहा ही क्या जा सकता है, जब वो होना होता है तो वो हो ही जाता है। ओडिन ने भी तो एक विच से शादी कर ली, एंड एरो एक मॉन्स्टर के प्यार में गिर गई, और अपना बैटमैन जो जिंदगी भर दुश्मनों और बुराइयों से लड़ता रहा और अंत में आते आते उसे भी एक चोर से प्यार हो गया, क्या कहा जा सकता है। अब देखो, ये बात मैं मानता हूँ कि एक मर्द दूसरे मर्द की नीयत समझ जाता है, इतना तो प्रोफेसर एक्स वाला दिमाग तो हमें ऊपर वाले से मिला ही है कि हम ये समझ जाते हैं कि वो मर्द इसके बारे में क्या सोच रहा है। और हाँ, ये बात भी इंटरनेट पर पूरी तरीके से क्लियरली समझ में आती है कि लोग इसे क्यों पसंद कर रहे हैं। तुमने क्या देखा, हमने क्या देखा, बिना जुबान से बयां किए सारी बातें समझ में आ जाती है। और हाँ, लड़कियों को भी आ जाती है, वो इतनी बेवकूफ नहीं होती जितना लोग समझ के चलते हैं। मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ तुम्हें। मगर फिर भी यार, जहाँ जिंदगी में इतना गम है तो दो पल खुश रहने के लिए अगर हमें इसका सहारा लेना पड़ जा रहा है तो हर्जी क्या है। अब हाँ, इतने सालों की शोध रिसर्च और इतनी सालों की तपस्या से अब ये बात तो मैं समझ पाता हूँ कि लोग बाहर में मिल्फ और इंडिया में भाभी जी घर पे हैं इतना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि आई थिंक सबको एक्सपीरियंस्ड और हट्टी कट्टी पर्सनैलिटियां पसंद आती हैं रिस्पेक्टफुली। और हाँ भाई, कमेंट्स में जरूर बताना कि एल्चिना आपको पर्सनली क्यों पसंद आई। और हाँ, कमेंट्स में जाने से पहले ये बात जरूर ध्यान में देना कि डायरेक्ट बताने में वो मजा नहीं है जो बात घुमा के बताने में है, तुम ही जानते हो कि वो मजा अलग आती है। तो वो बात बताना कि अगर आपने कुछ अलग से देख लिया हो जो मैंने नहीं देखा, जो बाकी सबने नहीं देखा, तो कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना कि तुमने क्या नया एक्सपीरियंस किया। अकेले मजे मत लो, किसी महान शख्स ने ही कहा है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना कि क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी है, मजा है, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई किसी भी एंगल से तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर फॉलो जरूर करना। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन्ड।